अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कस्टर्ड खीर की रेसिपी। आज हम कस्टर्ड खीर बनाएंगे, वो भी बिग क्वांटिटी में, यानी 6 किलो हम कस्टर्ड खीर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैं 6 लीटर दूध ले रही हूँ। जब तक ये बॉईल हो रहा है हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने 2 कप टूटे हुए चावल लिए हैं, यानी कन के चावल लिए हैं। अगर ग्राम में देखें तो तकरीबन 300 ग्राम ये चावल है। इनको हमने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। इसको हमने दरदरा सा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। इसको हमने ज्यादा बारीक नहीं करा, बिल्कुल दरदरा सा ही पीसा है। इसे हम एक तरफ रखते हैं। 1 गिलास हमने दूध लिया है, इसके अंदर 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रहे हैं। आप कोई सा भी फ्लेवर का कोई सा भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। इस वक्त मैं मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका, इसको भी हम एक तरफ रखते हैं। दूध के अंदर बॉईल आ चुका है, अब हम फ्लेम को लो पे कर देंगे। अब इसमें चावल शामिल कर लेते हैं। अब हम इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चमचा चलाते हुए पकाएंगे। इसको हमने 50 से 60 मिनट इसी तरीके से पकाना है। इसको हमने 60 मिनट पकाया है। चावल अच्छे से इसके अंदर पक चुके हैं और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें 1 किलो चीनी शामिल कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर शामिल कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। ये हमने 12 केले लिए हैं, इनका हम छिलका उतार कर इसको पीस लेते हैं। आप इसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसको इसी तरीके से प्रेस कर करके पीस रही हूँ। अगर आप फ्रूट्स के अंदर बनाना नहीं लेना चाहते तो आप मैंगो या दूसरे कोई से भी फ्लेवर के फ्रूट ले सकते हैं। ये देखिए पीस चुके, इनको हम एक तरफ रखते हैं। अब खीर में कस्टर्ड पाउडर शामिल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको शामिल करेंगे और कंटिन्यू चमचे इसी तरीके से चलाते हुए हमने 3 से 4 मिनट इसको पकाना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब लास्ट के अंदर इसमें हम बनाना का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही बारीक कटे हुए बादाम शामिल कर रहे हैं। आप कोई से भी अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अभी तैयार है, इसको हम निकालते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।